तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी की तरफ से आने वाले बजट और 5G अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जिसका मॉडल है रेडमी नोट 14 प्रो मैक्स 5G। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेडमी के इस अपकमिंग 5G स्मार्टफोन की A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला कि आप लोगों को रेडमी नोट 14 प्रो मैक्स में क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं और इसका इंडिया प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पहली बार आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं Redmi Note 14 Pro Max के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 14 Pro Max 5G के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आप लोगों को डिस्प्ले 6.69 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि बेजल लेस पंच होल डिस्प्ले होने वाला है। Redmi की इस Note सीरीज में पहली बार आप लोगों को डिस्प्ले इन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। Redmi के इस फोन के कैमरे की बात करें तो आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है, जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ आता है और फुल HD 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर्स दिया गया। Redmi Note 14 Pro Max 5G के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आप लोगों को प्रोसेसर कॉलकम स्नैपड्रैगन 730G का देखने को मिलने वाला है, जो कि 2.2 GHz डुअल कोर के साथ आता है। और इस फोन के अंदर आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज, दूसरा 8GB रैम 256GB। इस फोन के फ्रंट कैमरे की बात करें तो आप लोगों को सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और इस फोन के अंदर फुल HD 30 FPS रिकॉर्डिंग का भी फीचर्स दिया गया है। इस फोन के अंदर आप लोगों को 6000mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी और इसको चार्ज करने के लिए 108W का फास्ट चार्जर दिया गया है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आता है। इस फोन के अंदर दोनों ही सिम स्लॉट आपको 5G एंड हाइब्रिड देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों Redmi Note 14 Pro Max 5G के इंडिया लॉन्च डेट एंड प्राइस को लेकर। तो रूमर से पता चला है कि इसका इंडिया एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो है वो दिसंबर 2023 में है। ये 2023 में आप लोगों को दिसंबर महीने में देखने को मिलेगा और इसका जो प्राइस है अंडर 40,000 होने वाला है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और Redmi Note 14 Pro Max के बारे में आप लोगों का क्या राय है और Redmi का ये फोन मार्केट में दम दिखाता है या नहीं दिखाता है, ये फोन मार्केट में Redmi का टिकता है या नहीं टिकता है, आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर